हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं मनोज जी। जिस तरह से अभी कौशल जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार के पास कानून प्रावधान सब कुछ मौजूद है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का, इनके चेहरे भी सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं जिन्होंने मोबाइल टावर्स को, जियो फाइबर को नुकसान पहुंचाया है, उसके बावजूद भी अगर पंजाब सरकार देरी कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है और थ्रेट के बाद भी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करा रही थी इन टावर्स को, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है, मन में शंका पैदा होती है, क्या किसी लॉबी के दबाव में राज्य सरकार भी है? देखिए पिनाज, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है। जो मैं अभी पहले बात बता रहा था कि TRAI ने जो पेनल्टी इम्पोज करी थी अक्टूबर 2016 में, जिस समय वो पेनल्टी इम्पोज हुई थी उस समय अनिल कौशल जी ही TRAI के मेंबर थे और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने वो पेनल्टी इम्पोज करी थी। उस बात को करीब करीब 5 साल होने वाले हैं, 4.5 साल हो चुके हैं, आज तक DOT ने एक नोटिस तक नहीं भेजा इन कंपनीज़ के ऊपर। तो आप सोचिएगा कि ये कंपनीज़ कितनी ज़्यादा ताकतवर हैं, कितनी ज़्यादा पावरफुल कंपनी हैं। इनमें से एक कंपनी का तो बेस ही टेलीकॉम में है, का बेस ही पंजाब में है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ही आप दोष क्यों दें। सेंटर गवर्नमेंट ने भी जब कुछ काम नहीं करा तो स्टेट गवर्नमेंट से आप उम्मीद करेंगे, मुझे तो लगता नहीं कि वो कोई वैसी बात है। मैं एक और चीज़ पिनाज आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक तो टेलीकॉम की राइवलरी हो सकती है, दूसरी राइवलरी क्या हो सकती है कि जो रिटेल में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ आई हैं, जैसे अमेज़न हो गई, वॉलमार्ट हो गई, उनके कारण हमारे जो लोकल जो छोटे मर्चेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है, उन्हें लगता है कि बड़ी कंपनियां उनको ख़त्म कर देंगी। और जो रिलायंस रिटेल है, रिलायंस रिटेल की बिज़नेस स्ट्रेटेजी ऐसी है कि वो उन कंपनी को साथ लेकर काम करना चाहती है, वो चाहती है कि जैसे जैसे उनकी तरक्की हो तो वो जो छोटे मर्चेंट्स हैं उनकी भी तरक्की हो। तो वो भी एक राइवलरी है जिसके जो कि रिलायंस को फेस करनी पड़ रही है आज की डेट में। तो ये दो राइवलरीज हैं मेरे ख्याल से कि ये जो लोग हैं अब सबको एक फार्मर के एक एजिटेशन के नाम पर इनको एक बहाना, इनके सामने एक बहाना है और यही कारण है कि वहाँ जो लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाया है।